देखो भाई, ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पहले हम सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि तुम साथ साथ में याद भी करते रहो और समझते भी रहो चीजों को, ठीक है। ग्रामर में अगर हम नाउन की बात करें, नाउन क्या होता है? जितनी भी चीजें हमारे आसपास है वो सब क्या है? नाउन है। मैं अगर इस मार्कर की बात करूँ, ये भी क्या है? नाउन। मैं अपने आप की बात करूँ तो नाउन। आप भी क्या हो? नाउन। आप भी क्या हो? नाउन। आपके पेरेंट्स भी क्या है? नाउन है। ये फैन है, ये कैमरा है, मोबाइल फोन है, ये सब कुछ क्या है? नाउन। समझ में नाउन। अब नाउन के भी कई सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। कई सारी कैटेगरी, कॉमन नाउन होती है, ठीक है, मटेरियल नाउन होती है, और क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन होती है, काफ़ी सारी उसमें नाउन होती है। उस वो एक अलग चीज़ है, उसको बात नहीं कराएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है प्रोनाउन। प्रोनाउन होती है जो नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं, जिसको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि विनय एक अच्छा लड़का है, उसको ऐसे समझ लो। मैंने कहा कि विनय एक अच्छा लड़का है, विनय इज अ गुड बॉय। क्या कहा? लिख ही देते हैं, विनय इज अ गुड बॉय। फिर क्या आई हूँ कि विनय रोज स्कूल जाता है, विनय गोज टू स्कूल डेली, हाँ जी। फिर क्या कहेंगे? और विनय क्या करता है? विनय दूध पीता है। दूसरा वाला मतलब काम गया, विनय क्या करता है भाई? दूध पीता है। तो विनय ड्रिंक्स मिल्क। फिर क्या कहेंगे कि विनय खेलता भी है, तो विनय प्लेज क्रिकेट। फिर क्या कहेंगे कि विनय और कुछ काम भी करता है, विनय सोता है, विनय स्लीप्स। दूसरा मार्कर कहाँ पे है? मार्कर है यहाँ पे दूसरा, ठीक है, कि विनय स्लीप्स। समझ में आया? तो देखो क्या हो रहा है, विनय अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा अच्छा, बार बार हम विनय को रिपीट कर रहे हैं। जब हम विनय के बदले में कुछ और लिखेंगे तो उसको कहेंगे प्रोनाउन। तो देखो, विनय इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही प्लेस क्रिकेट, ही स्लीप्स। अब अच्छा लग रहा है, ये बार बार विनय रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया कि विनय को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई? ही में। तो जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? ही। जब हम तुम क्या हो? तुम तो नाउन हो, है ना, प्रॉपर नाउन हो तुम तो जब नाउन को हमने किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया उसको क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आया नाउन और प्रोनाउन? समझ में आया। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसकी भाई? पढ़ा होगा बहुत बार, इज एम और आर, पढ़ा है, इज एम आर। कहीं भी चले जाओ इज एम आर मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इज एम आर। इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है हो, या फिर बहुत सारे हैं। जैसे ये कुर्सियां हैं तो क्या है? आर यूज होगा प्लूरल के लिए, ठीक है। प्लूरल के लिए क्या यूज होगा भाई? प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। क्या यूज होगा? आर यूज होगा, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं अगर अपनी बारे में बात करती हूँ, तो मैं मतलब आई के हाथ में क्या यूज होगा? एम यूज होगा। एम का मतलब मैं, आई का मतलब है यहाँ पे मैं, और एम का मतलब क्या है? हूँ। ये मैंने लिखवा भी दिया है। इज का भी यूज होता है सिंगुलर, सिंगुलर जब एक होता है तो हम क्या यूज करते हैं? इज को यूज करते हैं। समझ में आया? जब प्लूरल होते हैं एक से ज्यादा तो हम आर को यूज करते हैं, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम एम को यूज करते हैं, जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इज को यूज करते हैं।
अभी मैं कह रही हूँ कि ये सारी कुर्सियाँ हैं, तो हम सब कुर्सियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस मार्कर के बारे में बात कर रही हूँ। ये एक मार्कर है, तो एक ये क्या है, एक है सिंगुलर है, तो क्या यूज आएगा, इज यूज होगा। समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, हटा दो इसको। देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं, इज ए मार्किंग, इट इज यूज्ड टू स्टेट अबाउट एनी पर्सन प्लेस थिंग्स लोकेशन एंड सिचुएशन इन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस है हूं हो। वेलकम, मतलब समझो क्या है कि इट इज यूज टू स्टेट अबाउट। जब हम इसे मार की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, एनी पर्सन किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, प्लेस जगह के बारे में बात करते हैं, थिंग चीजों के बारे में बात करते हैं, लोकेशन के बारे में बात करते हैं, सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन कब, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में वर्तमान में जब हम किसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी चीजों के बारे में बात करते हैं, किसी जगह के बारे में बात करते हैं, लोकेशन के बारे में बात करते हैं, सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, तो हम कहां किस में बात कर रहे होते हैं, इसे बारे में बात कर रहे होते हैं। इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस, इनके हिंदी सेंटेंस अगर हम बनाए तो लास्ट में क्या आता है, हैं हूं हो आता है, हैं हूं हो आता है। देखो जैसे तुम पागल हो लास्ट में क्या आ रहा है, हो आ रहा है, किसका सेंटेंस है, इज ए मार्क का। फिर अगर बात करें, वह एक खूबसूरत लड़की है, वह एक खूबसूरत लड़की है, लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, मतलब इज ए मार्क का सेंटेंस है, वह एक खूबसूरत लड़की है। इसमें कोई काम हो रहा है, तुम पागल हो, इसमें कोई काम हो रहा है। जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा होता है और लास्ट में है हूँ हो आता है, तो वहाँ पे हम इस एमआर को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके, स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो सब में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, चार स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा अफर्मेटिव, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद में इज एम आर, इज एम आर, तीनों में से किसी एक को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये आगे समझ में आएगा। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, ये फुल फॉर्म लिख दी हुई सब्जेक्ट की मैंने, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, टी आई वी ई, ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट। इंटरोगेटिव और क्वेश्चन मार्क की बात करें तो इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो क्या है, तुम डर गए होगे कि तुमने क्या ही बता दिया है ना। फिर
सिर्फ अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, जैसे वह एक लड़की है, कोई काम हो रहा है इसके अंदर, कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वह है को हम क्या कहते हैं जी? दैट कहते हैं, और दैट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे? इस जगह में से किसी एक को लगाएंगे। अब जब लड़की एक है तो किसको यूज करेंगे? इस को, एम को या फिर आर को, किसको यूज करेंगे? सब्जेक्ट हो गया। इस एम आर में से किसको यूज करेंगे यहाँ पे? इस को यूज करेंगे, क्योंकि एक लड़की के बारे में बात करें, जब एक के बारे में बात करते हम इस को यूज करते हैं, ठीक है? तो दैट इज अ गर्ल, ये जगह हमारा सेंटेंस। देखो फिर से इसको देखो, स्ट्रक्चर को सेंटेंस बनाते हैं। वह एक सुंदर फूल है, वह के लिए क्या यूज करेंगे भाई? दैट, दैट क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। अब इज एम आर में से किसको यूज करें? इस एम आर में किसको यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे, क्योंकि एक चीज जब होती है तो हम इसको यूज करते हैं। इस हो गया, क्या बचा? एक सुंदर फूल बचा, तो आ ब्यूटीफुल और फ्लावर। समझ में आया? तो ये सेंटेंस इस तरह से बनाए जाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव को देख लो, इसको फटाफट राइट डाउन कर लो, उसके बाद में इसको कुछ को इसके सेंटेंसेस करते हैं, उसके बाद छुट्टी, ठीक है? चलो।